जिनको हमने चुना, सरकार बनाया, वो हमसे पूछे तुम बताओ तुम कौन हो, हमसे पूछे सबूत दो, क्या सर आधार कार्ड में फोटो नहीं मिलती है। हिंदुस्तान में लोग खड़े हैं, बस यहां से दिख नहीं रहे इन इमारतों की वजह से। ठंड जो है वो आप लोगों ने कम कर दी है, देखिए आप 1 तारीख से जो है सर्द मौसम इस देश का हल्का हो गया है, थोड़ी गर्मी आने लगी है। इस नए साल की शुरुआत जो है वो सूरज के साथ हुई है, आज सूरज निकल आया है। ये नया साल जो है ये उम्मीद की नई किरण लेके आएगा।
आइए साथ में नारा लगाते हैं इनकलाब का, इनकलाब 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 आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। बस इसी तरह गर्मजोशी बनाए रखिए, इसी तरह खड़े रहिए, साइलेंट प्रोटेस्ट करिए। और जिस तरह ये भीड़ बढ़ती जा रही है, कितने भी बहरे लोग हो, कितनी भी बहरी सरकार हो, वो जरूर इस आवाज को सुनेगी। ये इनकलाब के नारे उनके कानों तक पहुंचेंगे, पूरे देश तक पहुंचे हैं और अब पूरा देश साथ खड़ा है। इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। ये शुरुआत जामिया से हुई थी और जामिया का नाम इतिहास में दोबारा एक बार सोने से लिखा जाएगा। बहुत बहुत मुबारकबाद। जो लोग इस देश में हमें हमारी वफादारी का इम्तिहान लेने को कहते हैं, हमारी नागरिकता का इम्तिहान लेने को कहते हैं, तो मैं ये जरूर बताना चाहूंगी कि हमें कोई हक नहीं है भारत के मुसलमानों से किसी किस्म का इम्तिहान मांगने का। भारत के मुसलमान ने 1947 में अग्नि परीक्षा दे दी है। और मैं ये जरूर कहूंगी कि जो लोग ये नया कानून मांग रहे हैं, वो इस देश के सबसे बड़े गद्दार हैं। क्योंकि आप भारत के हित में कुछ नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ जिन्ना का सपना पूरा कर रहे हो। और हम जो सब यहाँ खड़े हैं, हम गांधी जी का सपना पूरा कर रहे हैं। तानाशाह आकर जाएंगे, वो नए कानून बनाएंगे, वो झूठी बात बताएंगे, वो चिकना पाठ पढ़ाएंगे, वो लाठी चार्ज।